ये थार इतनी ज्यादा शाइन क्यों कर रही है? हम लोगों ने इसमें एलईडी इंस्टॉल किए। यस, अभी मैं इसका वर्किंग मोड आपके साथ शेयर करती हूँ। उनको बहुत ही सिंपल सोवर एग्जीक्यूटिव लुक चाहिए थी अपनी कार के लिए। वेलकम बैक टू अवर चैनल कार स्टाइल गाइस। आज मैं आई हूँ अपने गुड़गांव वाले आउटलेट पे। वैसे तो मैं किसी काम से आई थी, बट जैसे ही मैंने शोरूम में एंटर किया ना, तो मैंने देखा यहाँ पे कि एक ना थार का हम लोगों ने कुछ इंटीरियर मॉडिफिकेशन किया हुआ था। तो मैंने दीपक जी से पूछा, अभी वो थोड़े से बिजी हैं, बस उन्होंने मुझे बता दिया दूर दूर से कि सपना, यस इसके अंदर हम लोगों ने इंटीरियर्स में वर्क किया है और थोड़ा बहुत एसेसरीज का वर्क किया है। तो यस, तो मुझे लगा गाड़ी देखने के बाद मैं शांत कैसे बैठ सकती हूँ कि मैं उसका वीडियो शूट ना करूँ। मैंने जल्दी से निकलवाया अपना कैमरा और मैंने कहा चलो हो जाओ शुरू। सो गाइज, इस कार के बारे में बताने से पहले इस कार के ऑनर के बारे में बता देती हूँ मैं आपको कि इस कार के जो ऑनर हैं वो आर्मी से बिलोंग करते हैं। तो उनको बहुत ही सिंपल सोवर एग्जीक्यूटिव लुक चाहिए थी अपनी कार के लिए। ज़्यादा शोशा बोल सकते हैं, शोशाबाजी या कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं चाहिए थे। तो हम लोगों ने इस कार के अंदर बहुत कम चेंजेस के साथ इस कार को एक ब्यूटीफुल तरीके से रेडी किया है। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर एक्सटीरियर में इंस्टॉल किए हैं, प्लस इंटीरियर में क्या लुक दिया है। एक्सटीरियर में हेडलाइट एंड फॉग लाइट के अंदर हम लोगों ने इसमें एलईडी इंस्टॉल किए। यस, अभी मैं इसका वर्किंग मोड आपके साथ शेयर करती हूँ, बट अभी डे है तो आई डोंट नो कैमरा उसको कितना ज़्यादा जस्टिफाई कर पाएगा, वो भी हम देख लेते हैं। साथ ही में यहाँ पे हम लोगों ने जेन्युइन डोर वाइजर्स भी इंस्टॉल करके दिए हैं। यहाँ पे आपको डोर क्लैडिंग भी देखने को मिलने वाली है इसकी। अच्छा, एक बात और है कि जब मैंने इस कार को देखा तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये थार इतनी ज़्यादा शाइन क्यों कर रही है, मतलब इसकी फिनिशिंग ही अलग है और इसका जो ग्लॉस है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है या मिरर इफेक्ट दे रही है। तो मुझे थोड़ा वो दे भी पता लगा कि यस, इस कार को हम लोगों ने प्रोटेक्ट किया है हमारे गरवारे की प्लस सीरीज़ के पेंट प्रोटेक्शन फिल्म से। तो देख सकते हो आप इसके फिटमेंट, शाइन दे सकते हो। और बेस्ट पार्ट पता क्या होता है हर एक कार का कि इसमें वर्क करने के बाद जो कटिंग्स हैं वो आप देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से की हुई हैं, कहीं से भी मुझे एक भी बबल नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप इसकी शाइन देखिए जो कि अब डबल ट्रिपल आप हो सकते हो गई है। तो अब इंटीरियर्स देख लेते हैं कि आखिर कस्टमर ने कौन सा कलर चूज़ किया है या क्या उनकी चॉइस है। तो गाइस, यहाँ पे आपको इंटीरियर देखने को मिलने वाला है डुअल कॉम्बिनेशन में टैन प्लस ब्लैक कलर के साथ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे देख के पता लग गया कि यस, कस्टमर की चॉइस जो है वो बहुत सिंपल एंड सोबर है। तो अब मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने कराई हैं। जैसा मैं देख पा रही हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे थार की बैजिंग है या जो आरसी लीवर वाले पैनल हैं, ये वाला पैनल है, या जितने भी इसके अंदर हम लोगों ने वुड फिनिश यूज़ किया है वो हम लोगों ने मैट फिनिश के अंदर यूज़ किया है, वो आप देख सकते हैं। कस्टमर को हाई ग्लॉस अपनी कार के अंदर बिल्कुल नहीं चाहिएगा। तो अब ये कहाँ कहाँ पर यूज़ किया गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके एसी वेंट्स आप यहाँ चेक कर सकते हैं, स्पीडोमीटर आप देख सकते हो, स्टेयरिंग का पैनल देख सकते हैं, ग्रैब हैंडल देख सकते हैं, यहाँ पे आप पावर विंडो वाला सेक्शन देख सकते हैं, गियर बॉक्स देख सकते हैं कंप्लीट तरीके से। जितना भी वुड फिनिश इसमें यूज़ हुआ है वो मैट फिनिश के अंदर है। स्टेयरिंग आप देखिए यहाँ पे डुअल टोन में देखने को मिलने वाला है, टैन प्लस ब्लैक कलर डिज़ाइनर आप स्टेयरिंग विद ब्लैक थ्रेडवर्क के साथ, वो आप देखिए। लोअर डैशबोर्ड और जो सेंटर कंसोल वाला जो पैनल है उसको लेदर सॉफ्ट कोटिंग किया गया है इंटीरियर को डुअल लुक देने के लिए। पिलर्स आप यहां देख सकते हैं, जहां पे अपर वाला रूफ का जो पैनल होता है, जहां पे स्पीकर्स हैं प्लस लाइटिंग वाला पैनल है, यहां पे भी आपको देखने को मिलने वाला है अपना लेदर सॉफ्ट कोटिंग जो कि पूरे लुक को कंप्लीट कर रहा है, वो आप यहां देख सकते हैं। सो गाइज, अभी मैं आ गई हूँ सीट्स पे। सीट्स को यस, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल किया गया है एक्स्ट्रा कुशनिंग से, साथ में थाई सपोर्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी फिनिशिंग वर्क के साथ दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो। ड्राइविंग अब आपकी कंफर्ट रहने वाली है। साथ ही में ड्राई लेदर इसके अंदर यूज़ किया गया है, फुल ऑन जो ज़्यादा कलर यूज़ हुआ है वो टैन का हुआ है। ब्लैक कलर से आपको यहाँ पे हाइलाइटेड भी देखने को मिलने वाला है, ब्लैक कलर ही हम लोगों ने इसके अंदर थ्रेडवर्क में यूज़ किया हुआ है। स्पेशल बात, इसके अंदर हम लोगों ने परफोरेशन यूज़ किया हुआ है सेंटर में, आप वो भी देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से सीट्स को एक न्यू लुक देने की कोशिश की है। तो आप बताइएगा कि ये लुक आपको कैसी लगी। हेडरेस्ट के नीचे की तरफ एज यूजुअल ओरिजिनल कारपेट बेडिंग यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। सीट्स में एक भी रिंकल नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग कस्टमाइज सीट्स लेदर अपहोल्स्ट्री में डील करते हैं, बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग फिनिशिंग आपको मिलती है। फ्लोर पे हम लोगों ने 90 फ्लोरिंग इंस्टॉल किया है ब्लैक कलर के अंदर विद हैवी ग्रास मैट, तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। और अब मैं बात करती हूँ इसकी ओवरऑल लुक की ना, यस जैसा कस्टमर की चॉइस थी कि उनको जो पसंद था कि मुझे ज़्यादा शोशाबाजी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सोबर लुक दी है उसके अकॉर्डिंगली जिस तरीके से कार रेडी हुई है
वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। सो गाइज आप लोगों को भी कार पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइज ये तो था, मतलब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा आज का दिन ना पूरा सफल हो गया है कि मैंने एक वीडियो शूट कर लिया है। तो गाइज फिर से मिलते हैं नई लोकेशन के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू कार के साथ, न्यू थीम के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।